नमस्ते टू ऑल। पीजीटी टीजीटी बाय एस के अरोरा जो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ से आपको क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या आपको पढ़ना है और क्या थोड़ा स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ इस बुक के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर आप जैसे कमेंट कर देते हैं या कोई अपना इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे होता है कोई व्यू अपना देते हैं, राय देते हैं, तो उससे थोड़ा क्लियर होता चला जाता है कि जैसे टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आपकी कमेंट से थोड़ा पता चल जाता है कि कहाँ किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना होता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी राय भी मुझ तक पहुँचती रहे। सुधीर अरोरा का जो आज का टॉपिक हमारा इस बुक का है वो पेन नेम्स का है। पेन नेम आपको जो है मुश्किल से मिलता है, लेकिन दो तीन तरीके से एक उस पर क्वेश्चन बनता ही है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। और जो ऑथर्स इन्होंने लिस्ट दे रखी है इसके अरोरा, उसमें से भी सेलेक्टेड ऑथर्स हैं कि उन्हीं पे इसके नाम पूछा जाता है, अदर का तो पूछा ही नहीं जाता जल्दी से। कि जो सेलेक्टेड है उसके अंदर जब सेलेक्ट करेंगे हम उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, बाकी अदर तो बस ऐसे ही दे दिए गए एक्चुअल में बताऊँ तो उन्हीं को हम समझेंगे। पूछा क्या जाएगा इसमें, एक तो तरीका होता है कि पेन नेम पूछ लेते हैं कि पेन नेम बता दो इस ऑथर का क्या, किसी भी ऑथर को दे देंगे जो इम्पोर्टेंट वाला है। और एक वर्ड लिखा हुआ आता है, ज़्यादातर क्या लिखा होता है, एक वर्ड आता है, एक वर्ड लिखा होगा आपके सामने। ये अब बोलने वाले यूके में इसको सिरोनियम बोला जाता है, सिरोनियम, अदर इसको पेस्टिडेनियम के भी बोलते हैं, बोल देते हैं। तो इसको बोलने का तरीका सब जगह का अलग अलग होता है कि बोला क्या जाए, क्या आप ये सोचिए कि इसको बोलना क्या होता है। तो बेसिकली इसे सिडोनियम बोला जाता है। रही बात हमारी, तो हम लोग इंडियन हैं और हमारा जो मन करता है हम इसको इंग्लिश को उस तरीके से बोल देते हैं, हमारी हमारा अपना टोन होता है, अपना तरीका होता है, हम उस तरीके से बोल देते हैं। वैसे भी हम जो सारी लैंग्वेज मानी जाती है वर्ल्ड की वो संस्कृत से मानी जाती है, तो हम तो संस्कृत वाले हैं, इंडिया वाले हैं, हमारा जैसे मन करे हम वैसे बोल सकते हैं, बात जो है समझ में आनी चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। बस एक लक्ष्य रखो कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे भी करना है, बिल्कुल हार्ड वर्क तरीके से। बाकी हमसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही कोई बात, हमें नहीं आती इंग्लिश, सोच लीजिएगा आपको नहीं आती इंग्लिश, नहीं पता क्या है, बस एग्ज़ाम का आंसर, एग्ज़ाम जो करना है वो नंबर अपने पक्के करने हैं, कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो रट लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, और उसी अच्छी चीज़ में इस टॉपिक के ऊपर में अच्छे अच्छे जो राइटर हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको के पास टाइम नहीं है कुछ और पढ़ने का तो आप इनको ज़रूर पढ़ लेना। तो बकवास बहुत हो गई, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले होते हैं एजी गार्डनर। एजी गार्डनर, गार्डनर जो हैं ये, इन्हें एल्फो ऑफ द प्लो कहा जाता था। इनका पेन नेम, उपनाम या जो शॉर्ट नेम लगाते हैं बहुत से कवि, ज़्यादातर कवि ऑथर यही लगाते हैं, लेखक वगैरह अपने नाम के आगे एक नाम छोटा सा जोड़ देते हैं। तो एजी गार्डनर अपने नाम के आगे क्या उपनाम जोड़ते थे, एल्फा ऑफ द प्लो इन्हें कहा जाता था। और अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द एल्फा ऑफ द प्लो, तो वो है एजी गार्डनर। या वाट इज द सिरोनिम ऑफ एजी गार्डनर, तो वो है एल्फा ऑफ द प्लो। तीसरा तरीका, एजी गार्डनर रॉट हिज वर्क अंडर द पेन नेम्स नेम एल्फा ऑफ द प्लो। तरीका कुछ भी हो सकता है आपके सामने, पर एजी गार्डनर के साथ एल्फा ऑफ द प्लो या एल्फा ऑफ द प्लो के लिए एजी गार्डनर दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेट किए हैं। अब आगे आपके यहाँ पर इतने आपके लिए मतलब के नहीं है, थोड़ा सा पॉप को देख लें बस, वो भी नाम चार को, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे। पॉप द वेस्ट पॉप टिक हैम। फिर नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स डिकेंस, जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, चार्ल्स डिकेंस को बॉस बोला जाता था। अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, व्हाट इज द सिरोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस, डिकेंस तो वॉब वॉज, चार्ल्स डिकेंस रोट अंडर द पेन नेम वॉज, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब यही है कि आपको सिरोनिम वर्ड का पता होना चाहिए, पेन नेम का पता होना चाहिए और अंडर द नेम लिखा हुआ आएगा, जैसे एक वर्ड लिखा जाता है अंडर द नेम, तो इसका मीनिंग भी वही है कि आपका इसको सिरोनिम या उपनाम बताना है। चार्ल्स लैम सबसे ज़्यादा,
अगर 10 बार एग्ज़ाम होता है, 10 बार अगर लिटरेचर में पेन नेम पूछे गए हैं, तो 10 में से 9 का एवरेज इनका है। चार्ल्स लैम किसको बोला जाता है? चार्ल्स लैम को क्या बोला जाता है? इलिया। चार्ल्स लैम का सिरोनिम क्या है? इलिया। चार्ल्स लैम रॉट अंडर द पेन नेम इलिया। तो किसी भी तरह से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये ऑथर हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इलिया उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो एक क्लर्क था उनके साथ में, क्लर्क के नेम से इन्होंने जो है अडॉप्ट किया था इसको। तो ये क्वेश्चन भी इन पर कहीं ना कहीं पूछा जा जाता है। एक क्वेश्चन अलग से बता देती हूँ, चार्ल्स लैम को प्रिंस कहा जाता है। नॉइस में अलग अदर जो आते हैं ऑथर वो हैं एरिक ब्लेयर। भले ही आपके सिलेबस में ये कह दे कि नहीं है, पर एरिक ब्लेयर जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स में आते हैं, तो इन्हें जॉर्ज ऑरवेल, आप एरिक ब्लेयर को ना जानते हो पर जॉर्ज ऑरवेल जरूर आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूगेन ओनील को ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ये तभी पूछे जाते हैं, जैसे जी के चेस्टरटन प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है इन्हें, जॉर्ज रसेल को ये तब पूछे जाते हैं जब उन्हें एग्ज़ाम का लेवल आपके लिए टफ करना पड़ेगा, तब ये पूछे जाएंगे। और यही पूछे जाते हैं पूछे जाने वाले में, जो ये नाम है ना आपके सिलेबस से अलग जो आ रहे हैं, ये वे ऑथर्स के नाम हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए, ये उस कंडीशन में पूछे जाते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम जो है टफ करना होगा एग्ज़ामनर को। तो इन्हें टफ मत समझिए, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रख रही हूँ कि ये आप नोट करेंगे समझेंगे। नेक्स्ट है हेमलिन गारलैंड को इप्सन ऑफ द वेस्ट कहा जाता है। जॉन गैल्सवर्थी वेरी इम्पोर्टेंट, एजी गार्डनर, चार्ल्स लैम, जॉन गैल्सवर्थी, ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्हें जॉन सिंट जॉन के नाम से इन्होंने स्टार्टिंग में अपने वर्क्स जो है लिखे हैं। जॉन सिंट जॉन कौन? जॉन गैल्सवर्थी। जॉन लिली डबल बी, जॉन टाइलर वाटर पोइट, इम्पोर्टेंट है ये, सिर्फ इम्पोर्टेंट है। और ऐसे नहीं है कि ये आने वाले हैं, ज़्यादातर ये आते नहीं है, वही कंडीशन है कि टफ की तरफ अगर लेके जाएगा तो अगर वैसे पूछे नहीं जाते। कमला पूर्णिया टाइलर को कमला मार्कंडे कहा जाता है। और आपके और सिलेबस में कमला दास हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं, कभी वहीं उनसे रिलेट कर दो। लैंगहॉर्न सैमुअल मार्क ट्विन बहुत इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंट गैल्सवर्थी के, मार्क ट्वेन। नेक्स्ट कौन से आ जाते हैं? ओलिवर गोल्डस्मिथ को जेम्स मिलिंगटन कहा जाता है। नेक्स्ट वन ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन आपने सिबास्टियन मेलमॉन्थ का नाम नहीं सुना, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ही उनका पेन नेम है। नेक्स्ट रॉबर्ट वांस, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। चार पांच ऑथर, पांच कम से कम पांच हैं ये जो ऑथर्स जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला एजी गार्डनर, चार्ल्स लैम, जॉन गैल्सवर्थी और रॉबर्ट बर्न्स, और एक और रह गया इसमें, एक दो और रह गए जो मुझे याद नहीं आ रहे देख कर इनमें, जैसे मार्क ट्विन वाला भी इम्पोर्टेंट है ये। चलिएगा इसको देखते हैं, रॉबर्ट बर्न्स को प्लोमैन पोइट कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा आने वाले ये क्वेश्चन है। आगे आपके टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा कोई सा ऐसा ज़्यादा नहीं है। थॉमस कार्लाइल को सेज ऑफ चैलिसा कहा जाता है। डब्ल्यू एच ऑडन पिकासो ऑफ वर्स, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। विलियम लैंगलैंड को आप पढ़ लीजिएगा, विलियम लैंगलैंड हिस्ट्री लिंक स्ट्रेसेस से जो है, भले मैंने हाईलाइट नहीं किया ये, इसेंशियली पॉइंट ऑफ द प्यूपिल हडसन स्टेटमेंट, इन पे एक क्वेश्चन बनता है, पेन नेम की तरह नहीं लिखा था, हु इज इसेंशली ए पॉइंट ऑफ द पॉपुल, एक पूरी लाइन सी है ये, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। अगर विलियम लैंगलैंड वहाँ पर ऑप्शन में है तो ध्यान से पढ़ना इनका क्या है कि इसेंशली पॉइंट ऑफ द पीपल हडसन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को इन्होंने जो है अपना नाम क्या के टाइटल सा लगा लिया है, पेन नेम बना लिया था, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ये। मेन जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है। फिर भी कमेंट कर आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।